अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सी फ्रेग्रेंस, जो कि अफोर्डेबल भी होने वाली है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी। तो जी हाँ, तो मेरे पास है यहाँ पे जेडॉट की रूबी परफ्यूम, जो कि काफी फ्लोरल सी है, प्लस अफोर्डेबल भी है और साथ ही ब्रांडेड भी। सो जनाब, ये जेडॉट की सबसे अफोर्डेबल परफ्यूम्स में से ये एक परफ्यूम है। दरअसल ये एक पैक आता है जिसके अंदर आपको 5 परफ्यूम्स मिलते हैं, तो ये उन्हीं पैक में से एक परफ्यूम है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप पूरा पैक भी खरीद सकते हो और आप एक परफ्यूम भी खरीद सकते हो। सो इस परफ्यूम की प्राइस जो थी वो पहले थी 600 के अराउंड, फिर 800 हुई, एंड देन अब इतनी महंगाई होने के बावजूद हो चुकी है इसकी प्राइस 1000 रुपीज़। आज हम बात करेंगे इसकी प्राइस, क्वालिटी, फ्रेग्रेंस और लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ और बाकी की चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो काफ़ी सिंपल है और इस तरह के कार्डबोर्ड टाइप की बॉक्स की पैकेजिंग में आता है, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है जो कि लगभग 3 साल है, और साथ ही साथ जो है दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए। कैटेगरी जो मेंशन है इनके वेबसाइट पे वो है जी फ्लोरल, मस्की और मेन कोर्स आपके सामने लिखे हुए। आपको 25 ml की बॉटल मिलती है, छोटू सी। अच्छा, ये बहुत सी क्यूट सी बॉटल है इसकी, ग्लास की काफ़ी अच्छी, बिल्कुल छोटी सी। इसके ऊपर आपको जो है ना कुछ भी नहीं ज़्यादा लिखा हुआ देखने को मिलता, बस एक रूबी प्लस जेडॉट लिखा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है एंड क्लासी लगता है। दूसरी बात करूँ अगर इसकी साइज़ की, बहुत ही कन्वीनियंट है, यानी आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो अपने साथ। आप अपने बैग में इसको रख सकते हो, आप चाहो तो आप इसको अपने पॉकेट में भी इवन कैरी कर सकते हो। बहुत छोटा सा साइज़ है लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है, आप इसको ईजिली कहीं भी लेकर जा सकते हो बिना ये सोचे कि जगह खा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। उसके बाद बात करूँ अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की, वल्ला कमाल की खुशबू है। जब आप इसे वेयर करते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे आप ना बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हो। यानी अगर मैं अपनी जुबानी बताऊं कि इसकी खुशबू कैसी है, तो इसकी खुशबू जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश आपको फील कराती है। यानी अगर आप समर्स में इसको ज़्यादा यूज़ करो ना तो बहुत बेस्ट रहने वाला है। अच्छा, आप इसकी साइज़ देखें कि ये इसका साइज़ जो है ना वो इतना सा है, ईजिली कैरी हो सकता है। बात करूँ ना इसकी फ्रेग्रेंस की, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरल, मस्की, फ्रूटी, यानी कुछ मीठी मीठी खुशबुएँ होती है ना, लेकिन नहीं, एक थोड़ी सी खट्टी सी होती है, खट्टी प्लस मीठी, इस तरह की इसकी खुशबू है। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है जो सर पे चढ़ जाती है बिल्कुल। अगर मैं अपनी ज़ुबानी इसकी खुशबू को बयां करूँ ना तो वो इस तरह से है कि जब आप नहा के आते हैं तो एक फ्रेश फीलिंग्स, एक फ्रेश खुशबू हमारे अंदर से आ रही होती है, तो वही खुशबू जो है इस परफ्यूम की है। और ये गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये लाइट सी परफ्यूम है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही अच्छी और फ्लोरल टाइप की, यानी आपको फ्लावर्स की खुशबू भी आ रही होती है, आपको फ्रूटी टाइप की खुशबू भी अंदर से आ रही होती है, मस्की सी और फ्रेश फीलिंग वाली। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स वगैरह पसंद हैं तो फिर आपके लिए सफायर इसका ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, बात करूँ अगर इसकी लास्टिंग की, तो ये 5 से 6 घंटे ईजिली लास्ट कर जाता है। आप जब एक बार इसको स्प्रे करते हो तो पूरे रूम में इतनी खुशबू हो जाती है कि बाकायदा लग रहा होता है कि कोई अच्छा ब्रांडेड परफ्यूम लगाया है। ये परफ्यूम टीनएजर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इसे जेडॉट के आउटलेट से भी बाय कर सकते हो और आप ऑनलाइन भी जेडॉट की वेबसाइट से बाय कर सकते हो। आपको ये किसी भी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा और मेरी तरफ से ये फुली रिकमेंडेड है। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अल्लाह हाफिज़।